हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को संचालनालय कौशल विकास विभाग मध्य प्रदेश के आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट के लिए पीईवी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा माह नवंबर 2016 में आयोजित परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे। और साथ ही मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूं जो आईटीआई पॉलीटेक्निक या बीई में अध्ययन कर चुके हैं या अध्ययनरत हैं, अगर आप लोग आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आईटीआई की इस पोस्ट की जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम इस वीडियो में प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट के लिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट के अन्य ट्रेड के क्वेश्चन पेपर या इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम पीईवी द्वारा नवंबर 2016 में लिया गया था। इसमें 100 क्वेश्चन थे। पहले 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के एवं 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से संबंधित थे। इसमें टॉपिक पहला जनरल नॉलेज का है। इसमें पहला क्वेश्चन था, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए था 15 जनवरी, दूसरा ऑप्शन था 5 जून, तीसरा ऑप्शन था 26 अगस्त, चौथा ऑप्शन था 10 जुलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 जून। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया है? ऑप्शन ए है आईआईटी इंदौर, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, चौथा ऑप्शन है आईआईटी गांधीनगर। इसका राइट आंसर है तीसरा आईआईटी गुवाहाटी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन पहला था असीरगढ़ का किला, दूसरा ऑप्शन गिन्नौरगढ़ का किला, तीसरा ऑप्शन मांगी तुंगी, चौथा ऑप्शन गढ़कुंडार। इसका राइट आंसर है मांगी तुंगी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बिहार के एक जिले से भित्ति चित्रण का एक प्रकार है? पहला ऑप्शन वर्ली, दूसरा ऑप्शन मधुबनी, तीसरा ऑप्शन सदंगा, चौथा ऑप्शन कांगड़ा। इसका राइट आंसर है मधुबनी। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? पहला ऑप्शन नेफ्रा, दूसरा ऑप्शन निजाम का शासन, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रांत और बरार, चौथा ऑप्शन संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर है मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन देखेंगे, देश के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है? पहला ऑप्शन था 2:3, दूसरा ऑप्शन था 3:5, तीसरा ऑप्शन था 2:4, चौथा ऑप्शन था 3:4। इसका राइट आंसर है 2:3। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे फ्रेश वाटर की झील कौन सी है? ऑप्शन पहला था चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन था वुलर झील, तीसरा ऑप्शन था पोए झील, चौथा ऑप्शन था डल झील। इसका राइट आंसर है वुलर झील। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन उज्जैन, चौथा ऑप्शन छतरपुर। इसका राइट आंसर है ग्वालियर। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिमपोचे के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन लेह, दूसरा ऑप्शन श्रीनगर, तीसरा गुवाहाटी, चौथा चेन्नई। इसका राइट आंसर है लेह। दसवां क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का, इसमें बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है?
चयन लोकसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, नामांकन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। चौथा ऑप्शन, चयन लोकसभा और राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है चयन राज्यसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पहला ऑप्शन था अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दूसरा ऑप्शन था पांडिचेरी, तीसरा ऑप्शन था चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन था दमन और दीव। इसका राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका का साधारण नाम क्या है? ऑप्शन ए गेंदे का फूल, दूसरा ऑप्शन आम, तीसरा ऑप्शन सूर्यमुखी, चौथा ऑप्शन चंदन। इसका राइट आंसर है आम। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास यानी चेन्नई, चौथा ऑप्शन चंडीगढ़। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? पहला ऑप्शन रविशंकर, दूसरा ऑप्शन शिव कुमार शर्मा, तीसरा ऑप्शन जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन हरि प्रसाद चौरसिया। इसका राइट आंसर है हरि प्रसाद चौरसिया। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेहविल चेम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई? पहला ऑप्शन शतरंज, दूसरा टेबल टेनिस, तीसरा स्नूकर, चौथा कैरम। इसका राइट आंसर है स्नूकर। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, तवा किस नदी की उपनदी है? पहला ऑप्शन नर्मदा नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा ताप्ती नदी, चौथा सोन नदी। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन कैसा चांद बना देती है कि रचयिता है? ऑप्शन ए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन हरिशंकर परसाई, चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, 1961 में भारत के किस हिस्से में पुर्तगालीन शासन से विमुक्त किया गया? पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा ऑप्शन पांडिचेरी, तीसरा ऑप्शन माहे, चौथा ऑप्शन चंदन नगर। इसका राइट आंसर है गोवा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कहाँ भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा नेपानगर, तीसरा देहरादून, चौथा नागपुर। इसका राइट आंसर है नेपानगर। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBB यानी BBP का आरंभ किया है? पहला ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, चौथा ऑप्शन स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। इसका राइट आंसर है महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, 2016 में किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? पहला ऑप्शन इंडिया ब्लू, दूसरा ऑप्शन इंडिया ग्रीन, तीसरा ऑप्शन इंडिया रेड, चौथा ऑप्शन इंडिया ब्लैक। इसका राइट आंसर है इंडिया ब्लू। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ
खाली स्थान ने किया? पहला ऑप्शन भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, दूसरा ऑप्शन पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, तीसरा ऑप्शन नायिका एवं सांसद जया बच्चन, चौथा ऑप्शन समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी। इसका राइट आंसर है समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलसपन और परियोजना लगी है, सॉरी सौर परियोजना लगी है? पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन नीमच, तीसरा ऑप्शन जबलपुर, चौथा ऑप्शन सागर। इसका राइट आंसर है नीमच। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 16 सितंबर, दूसरा ऑप्शन 5 सितंबर, तीसरा ऑप्शन 20 सितंबर, चौथा ऑप्शन 14 सितंबर। इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है? पहला ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। अब हम इलेक्ट्रीशियन टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन था परिपथ में फिल्टर का उपयोग खाली के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन लहराने से रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन वोल्टेज की अस्थिरता को रोकने, तीसरा ऑप्शन स्थिर वोल्टेज की सुनिश्चितता, चौथा ऑप्शन कूलिंग की सुनिश्चितता। इसका राइट आंसर है लहर रोकने। दूसरा ऑप्शन था लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट्स होने पर। पहला ऑप्शन बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है, दूसरा ऑप्शन बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं देती, तीसरा ऑप्शन बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्थ चालक का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन लाइन चालक के ऊपर, दूसरा ऑप्शन लाइन चालक के नीचे, तीसरा ऑप्शन लाइन चालक के समानांतर स्तर पर, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लाइन चालक के ऊपर। चौथा क्वेश्चन था एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा यानी आर अपॉन जेड, दूसरा ऑप्शन प्रतिबाधा बटे प्रतिरोध यानी जेड अपॉन आर, तीसरा ऑप्शन वोल्टेज बटे प्रतिबाधा यानी वी अपॉन जेड, चौथा ऑप्शन धारा बटे प्रतिरोध यानी आई अपॉन आर। इसका राइट ऑप्शन है आर अपॉन जेड यानी प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। गति प्रेरकत्व में अपनाया जाता है, पहला ऑप्शन मोटरों में, दूसरा ऑप्शन जनरेटरों, तीसरा ट्रांसफार्मरों, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है जनरेटरों में। 6वां क्वेश्चन देखेंगे। फ्यूज का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, पहला ऑप्शन ओवर वोल्टेज से सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन लिमिट करंट से सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा, चौथा ऑप्शन सिंगल फेजिंग से सुरक्षा। इसका राइट आंसर है शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। वाट मीटर दर्शाता है, ऑप्शन पहला तात्क्षणिक मान या तात्क्षणिक शक्ति, दूसरा ऑप्शन औसत शक्ति, तीसरा ऑप्शन अधिकतम शक्ति, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है औसत शक्ति। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट का खाली स्थान होता है, पहला ऑप्शन 0.505 गुना, दूसरा ऑप्शन 0.707, तीसरा ऑप्शन समान,
चौथा ऑप्शन बराबर तथा विपरीत, इसका राइट आंसर है समान। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, यदि 230 वोल्ट की थ्री फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए और 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन मोटर सामान्य रूप से चलेगी, दूसरा ऑप्शन मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगी, तीसरा ऑप्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी, चौथा ऑप्शन मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसका राइट आंसर है मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। दसवां क्वेश्चन देखेंगे, HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण है जहां तक कि, पहला ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है, दूसरा ऑप्शन तापीय प्रतिबलों की बात है, तीसरा ऑप्शन तापीय और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तापीय और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है। ग्यारहवां क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, पहला ऑप्शन उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, दूसरा ऑप्शन उच्च श्यानता, तीसरा ऑप्शन उच्च श्यानता इंडक्टेंस, चौथा ऑप्शन निम्न बहाव बिंदु। इसका राइट आंसर है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य यानी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बारहवां क्वेश्चन है, सप्लाई सिस्टम में लोडों को समानांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन सभी लोडों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाना, दूसरा ऑप्शन सभी लोडों में समान धारा प्रवाहित करना, तीसरा ऑप्शन ओवरलोड को रोकना, चौथा ऑप्शन अत्यधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर है सभी भारों यानी लोडों में दिया गया वोल्टेज समान पहुंचाना। जब हम किसी पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उसमें बराबर बराबर वोल्टेज पहुंचता है, इसीलिए हम समानांतर क्रम में घरों के जितने भी कनेक्शन होते हैं हम समानांतर क्रम में करते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन कूलिंग प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन इंसुलेशन प्रदान करना, चौथा ऑप्शन ओवरलोडिंग से बचाना। इसका राइट आंसर है कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना। चौदहवां क्वेश्चन देखेंगे, भंवर धाराएं ऐसे कम की जाती हैं, पहला ऑप्शन कोर की ठोस वस्तु बनाकर, दूसरा बिना वार्निश के रोध किए लेमिनेशन को कोर बनाकर, तीसरा रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन कोर बनाकर, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन को कोर बनाकर। पंद्रहवां क्वेश्चन है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पहला ऑप्शन था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, दूसरा ऑप्शन न्यूटन का गति का नियम, तीसरा ऑप्शन फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। सोलहवां क्वेश्चन देखेंगे, अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से तथा धारा अधिकतम होती है, पहला ऑप्शन है जब यह पश्चवायसित हो, दूसरा ऑप्शन है जब यह अग्रवायसित हो, तीसरा ऑप्शन है जब सप्लाई नहीं होती है, चौथा ऑप्शन बायसिंग से कोई संबंध नहीं होता। इसका राइट आंसर है जब यह अग्रवायसित हो। सत्रहवां क्वेश्चन है, डीसी संट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है, पहला ऑप्शन है परिवर्ती चाल, दूसरा ऑप्शन है लाइट लाइन शिफ्टिंग, तीसरा ऑप्शन है स्थिर चाल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है स्थिर चाल। अठारहवां क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ऑप्शन ए मोटर और स्टार्टर में समानित वोल्टेज दी जाती है, दूसरा ऑप्शन प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज 57.8% होती है, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध को रोटर परिपथ में डाला जाता है, चौथा ऑप्शन प्रतिरोध को स्टेटर परिपथ में डाला जाता है। इसका राइट आंसर है
प्रतिफेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज 57.8% होती है। 19वां क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष होता है। पहला ऑप्शन, इसके तापमान की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, इसका सेकेंडरी कभी खोला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भार से जोड़ा रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, यह सदैव तेल में डूबा हुआ होना चाहिए। चौथा ऑप्शन, इसे उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है, इसका सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भार से जोड़ा रहना चाहिए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश औद्योगिक भार, पहला ऑप्शन प्रकृति में प्रतिरोधी होता है, दूसरा ऑप्शन प्रकृति में प्रेरणिक होता है, तीसरा ऑप्शन प्रकृति में धारिता होते हैं, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, प्रकृति में प्रेरणिक होते हैं। 21वां क्वेश्चन है, एसी परिपथों में लेमिनेटेड लोह का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन परिपथ की पारगम्यता को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन समुच्चय को सस्ता बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन ऊष्मा विकिरण को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, 20 HP 440 वोल्ट 50 हर्ज 3 फेज की मोटर 25 एम्पियर की धारा लेती है, जिससे वह वोल्टेज को 30 डिग्री से लैगिंग है, यह इतनी दक्षता से कार्य कर रही है। पहला ऑप्शन 85%, दूसरा ऑप्शन 90.5%, तीसरा ऑप्शन 92.5%, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 90.5%। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, धारा के प्रवाह के लिए खाली स्थान आवश्यक है, पहला ऑप्शन दो समान तथा विपरीत मान वाले आवेश, दूसरा ऑप्शन विभवांतर, तीसरा ऑप्शन समान तथा समरूप आवेश, चौथा ऑप्शन विभवांतर आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर है विभवांतर। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता है, पहला ऑप्शन 80%, दूसरा ऑप्शन 100%, तीसरा ऑप्शन 60%, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है 60%। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रमुखतः प्रयोग में लाया जाता है, पहला ऑप्शन कार्बन तंतु लैंप, दूसरा ऑप्शन नियॉन लैंप, तीसरा ऑप्शन टंगस्टन तंतु लैंप, चौथा ऑप्शन कार्बन आर्क लैंप। इसका राइट आंसर है कार्बन आर्क लैंप। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर है, पहला ऑप्शन सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर सॉरी मोटर। इसका राइट आंसर है शंट मोटर। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है जब, पहला ऑप्शन भार बलागुण भारी होता है, दूसरा ऑप्शन उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है, तीसरा ऑप्शन लोड बलागुण कम होता है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, समान मानों के 3 प्रतिरोधकों को जब खाली स्थान में 3 फेज 440 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाएगा तो वे अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे, पहला ऑप्शन स्टार, दूसरा ऑप्शन डेल्टा, तीसरा ऑप्शन जिगजैग, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डेल्टा। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की स्थिरता को सहन नहीं कर सकता, पहला ऑप्शन प्रतिदीप्त लैंप, दूसरा ऑप्शन पारद वाष्प लैंप, तीसरा ऑप्शन
तापदीप लैंप, चौथा ऑप्शन सोडियम वेपर लैंप। इसका राइट आंसर है तापदीप लैंप। तीसवां क्वेश्चन देखेंगे, रोटेटिंग रेक्टिफायर यानी घूर्णी परिशोधक का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। पहला ऑप्शन इंडक्शन मोटर्स, दूसरा ऑप्शन सिंगल फेज मोटर्स, तीसरा ऑप्शन डीसी जनरेटर्स, चौथा ऑप्शन ब्रशलेस अल्टरनेटर्स। इसका राइट आंसर है ब्रशलेस अल्टरनेटर्स। 31वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध को इसके द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन वाटमापी, दूसरा ऑप्शन पीएफ मीटर, तीसरा ऑप्शन ओम मीटर, चौथा ऑप्शन आवृत्ति मीटर। इसका राइट आंसर है ओम मीटर। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, जेनर डायोड में ऑप्शन ए फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च होती है, दूसरा ऑप्शन निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है, तीसरा ऑप्शन ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण होते हैं, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है। पहला ऑप्शन प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, तीसरा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, चौथा कम वोल्टेज वाइंडिंग। इसका राइट आंसर है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, एकल फेज प्रेरण मोटर इस पर काम करती है। पहला अनवती पीएफ यानी यूनिटी पीएफ, दूसरा ऑप्शन 0.8 लीड पीएफ, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन 0.6 पीएफ लैग। इसका राइट आंसर है 0.6 पीएफ लैग। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन मेन स्केल डिवीजन तथा हेड स्केल में डिवीजन्स की संख्या में अंतर, दूसरा हेड स्केल में डिवीजन्स की संख्या का मान, स्केल डिवीजन्स की मुख्य संख्या द्वारा विभाजन, तीसरा ऑप्शन घूर्णन की संख्या का मेन स्केल डिवीजन के मान द्वारा विभाजन, चौथा ऑप्शन मेन स्केल डिवीजन के मान के हेड स्केल डिवीजन्स की संख्या द्वारा विभाजन। इसका राइट आंसर है मेन स्केल डिवीजन के मान का हेड स्केल डिवीजन्स की संख्या द्वारा विभाजन। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदु का कुल योग शून्य है, इसे खाली स्थान के नियम द्वारा निष्कर्षित किया गया है। पहला ऑप्शन फैराडे के नियम, दूसरा ओम के नियम, तीसरा मैक्सवेल के नियम, चौथा किरचॉफ के नियम। इसका राइट आंसर है किरचॉफ के नियम। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रू की पिच होती है। पहला ऑप्शन स्क्रू की कुल लंबाई, दूसरा ऑप्शन स्क्रू का व्यास, तीसरा ऑप्शन स्क्रू द्वारा घूर्णन की तय की गई अक्षीय दूरी, चौथा ऑप्शन स्क्रू हेड का व्यास। इसका राइट आंसर है स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी। 38वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा देती है। पहला ऑप्शन है केसिंग केपिंग वायरिंग, दूसरा बैटन वायरिंग, तीसरा कंड्यूट वायरिंग, चौथा क्लीट वायरिंग। इसका राइट आंसर है कंड्यूट वायरिंग। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, भट्टी का ताप इसके द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन हाइड्रोमीटर, दूसरा टोंग टेस्टर, तीसरा पायरोमीटर, चौथा सेल्सियस मीटर। इसका राइट आंसर है पायरोमीटर, उत्तम मापी। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा इस रूप में संचित की जाती है। पहला ऑप्शन स्थिर विद्युत आवेश, दूसरा बिना बहने वाली धाराओं, तीसरा रासायनिक ऊर्जा, चौथा नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य शरीर एक खाली स्थान है। पहला ऑप्शन धातु, दूसरा अधातु, तीसरा चालक, चौथा अचालक। इसका राइट आंसर है चालक।
42वां क्वेश्चन देखेंगे। दो लंबे समांतर धारा प्रवाह चालकों के बीच का बल इसके व्युत्क्रमानुपाती है। पहला एक चालक की धारा के, दूसरा दो चालकों की धारा के गुणनफल के, तीसरा चालकों के बीच की दूरी के, चौथा चालकों की त्रिज्या के। इसका राइट आंसर है चालकों के बीच की दूरी के। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में आरएमएस खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होती है। पहला ऑप्शन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दूसरा रेशनल मीन्स वैल्यू, तीसरा राउंडेड ऑफ मीन वैल्यू, चौथा रेटेड मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका राइट आंसर है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। 44वां क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रू जैक्स में सामान्य रूप से खाली स्थान होते हैं। पहला ऑप्शन अमेरिकन थ्रेड्स, दूसरा ब्रिटिश थ्रेड्स, तीसरा एक्मे थ्रेड्स, चौथा स्क्वायर थ्रेड्स। इसका राइट आंसर है स्क्वायर थ्रेड्स। 45वां क्वेश्चन देखेंगे। जब कुंडली में से डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो पहला ऑप्शन प्रेरित वोल्टेज निर्मित होता है, दूसरा प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता, तीसरा कुंडली में वोल्टेज दोगुना हो जाता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता। 46वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते। पहला ऑप्शन FET, दूसरा SCR, तीसरा UJT, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है FET। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। संधारित्र की धारिता खाली स्थान के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। पहला ऑप्शन है प्लेट के क्षेत्रफल, दूसरा प्लेट्स के मध्य अंतर, तीसरा परावैद्युत सामग्री, चौथा आवृत्ति। इसका राइट आंसर है आवृत्ति। 48वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता। पहला ऑप्शन कठोर स्टील, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा निकेल कोबाल्ट धातु, चौथा सॉफ्ट आयरन। इसका राइट आंसर है सॉफ्ट आयरन, मृदु लोहा। 49वां क्वेश्चन देखेंगे। ज्यावक्रीय तरंग रूप का औसत मान होता है 2E max/π, E maximum/π, E maximum/2, E maximum/2π। इसका करेक्ट आंसर है 2E maximum/π। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। परिनालिका के कोर को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ताम्र, दूसरा ऑप्शन मृदु लोहा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मृदु लोहा। 51वां क्वेश्चन देखेंगे। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी, दूसरा ऑप्शन आयरन रॉस में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन कम्यूटेटर पर स्पार्किंग, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी तथा आयरन रॉस में वृद्धि। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी तथा आयरन रॉस में वृद्धि। 52वां क्वेश्चन देखेंगे। फ्यूज की रेटिंग खाली स्थान में व्यक्त की जाती है। पहला ऑप्शन वोल्ट, दूसरा एम्पियर, तीसरा एम्पियर वोल्ट, चौथा एम्पियर घंटा। इसका राइट आंसर है एम्पियर। 53वां क्वेश्चन देखेंगे। लघु संधारित्र के लिए ओम मीटर की रीडिंग होती है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा कुछ किलो ओम, तीसरा कुछ मेगा ओम, चौथा अनंत। इसका राइट आंसर है 0। 54वां क्वेश्चन देखेंगे। तुल्यकालिक मोटर केवल तब ही चलेगी यदि उसके पास स्लिप है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन -1। इसका राइट आंसर है 0। 55वां क्वेश्चन देखेंगे। जनरेटिंग स्टेशंस में अल्टरनेटर खाली स्थान में जुड़े होते हैं। पहला ऑप्शन डेल्टा, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार डेल्टा, चौथा डबल स्टार। इसका राइट आंसर है स्टार।
56वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी फ्यूल तार में तीव्र पिघलने का गुण है? पहला ऑप्शन कांस्य, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन चांदी, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चांदी। 57वां क्वेश्चन, अनिरंतर हल्के और भारी लोडों के लिए चक्के के साथ कौन सी डीसी मोटर प्रयुक्त होगी? ऑप्शन ए शंट, ऑप्शन बी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी अंतर्द्योतक विधि संयुक्त मोटर, ऑप्शन डी संचित रूप में संयुक्त मोटर। इसका राइट आंसर है संचित रूप में संयुक्त मोटर, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। 58वां क्वेश्चन देखेंगे, जयवक्रीय तरंगे के लिए फॉर्म फैक्टर होता है। पहला ऑप्शन 1.11, दूसरा ऑप्शन 1.00, तीसरा ऑप्शन 2.22, चौथा ऑप्शन 0.55। इसका राइट आंसर है 1.11। 59वां क्वेश्चन देखेंगे, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है। पहला ऑप्शन निकटवर्तीय कुंडली में धारा प्रवाह के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, दूसरा ऑप्शन कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, तीसरा कुंडली में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, चौथा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। इसका राइट आंसर है कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल। 60वां क्वेश्चन देखेंगे, भाकरा में किस प्रकार की शक्ति संयंत्र है? पहला ऑप्शन ऊष्मीय, दूसरा जल विद्युत, तीसरा नाभिकीय, चौथा सोलर। इसका राइट आंसर है जल विद्युत। 61वां क्वेश्चन देखेंगे, 11 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड में इसके काम में लाती है विद्युत रोधी। इसका राइट आंसर था पिन, इसको कैंसिल किया गया था। 62वां क्वेश्चन देखेंगे, लोह चुंबकत्व पदार्थ है। पहला ऑप्शन सुचालक होते हैं, दूसरा अच्छे वैद्युत रोधी होते हैं, तीसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के समान होते हैं, चौथा चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं। इसका राइट आंसर है चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं। 63वां क्वेश्चन देखेंगे, एक ACSR चालकों में स्टील का की तार का कार्य है। पहला ऑप्शन और अधिक धारा प्रवाहित करने में मदद करना, दूसरा लाइन का प्रतिरोध कम करना, तीसरा लाइन में यांत्रिक तनाव लाना, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लाइन में यांत्रिक तनाव लाना। 64वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्सर्जक और संग्राही के बीच की न्यून प्रतिरोध रीडिंग लगभग होगी। पहला ऑप्शन 100 या कम, दूसरा ऑप्शन 1000, तीसरा 10000 या अधिक, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 10000 या अधिक। 65वां क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन पारस्परिक प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा सेल्फ इंडक्शन, तीसरा फ्लेमिंग रूल, चौथा किरचॉफ के नियम। इसका राइट आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक प्रेरण। 66वां क्वेश्चन देखेंगे, जब दो वाटमीटरों का प्रयोग थ्री फेज संतुलित परिपथ की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है और एक वाटमीटर की रीडिंग ऋणात्मक होती है, इसका मतलब लैग का कोण है। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री अबव। इसका राइट आंसर है अबव 60 डिग्री यानी 60 डिग्री से ऊपर। 67वां क्वेश्चन देखेंगे, वाट मीटर में पहला ऑप्शन एक करंट कॉइल होती है, दूसरा ऑप्शन एक करंट कॉइल होती है, सॉरी पहला ऑप्शन एक करंट कॉइल होती है, दूसरा एक पोटेंशियल कॉइल होती है,
तीसरा एक करंट कॉइल तथा एक पोटेंशियल कॉइल होती है, चौथा एक करंट कॉइल तथा दो कॉइल होती हैं। इसका राइट आंसर है एक करंट कॉइल तथा एक पोटेंशियल कॉइल होती है। 68वां क्वेश्चन देखेंगे। ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है शुष्क पाउडर के प्रयोग से मिलते अग्निशामक। तीसरा ऑप्शन था झाग टाइप के अग्निशामक। चौथा ऑप्शन था F200 सिस्टम। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि हम श्रेणी ए टाइप की आग पानी से बुझाते हैं, इसमें पानी ऑप्शन नहीं था, इसलिए 68वां क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। 69वां क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मशीन के कम्यूटेटर सामान्य रूप से खाली स्थान के बने होते हैं। पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा पीतल, चौथा तांबा। इसका राइट आंसर है तांबा। 70वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिदीप्त नलिका को जब डीसी पूर्ति द्वारा काम में लिया जाएगा तो चाप को स्थिर करने के लिए उसमें निम्न शामिल होंगे। पहला चोक, दूसरा प्रतिरोधक, तीसरा प्रेरक, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्रतिरोधक। 71वां क्वेश्चन था। वोल्ट मीटर की सुग्राहिता इसके द्वारा दी जाती है। पहला ऑप्शन पूर्ण पैमाने की विक्षेपी धारा के व्युत्क्रम, दूसरा ओम ऑब्लिक वोल्ट, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर था ए और बी दोनों। 72वां क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर में एडी करंट निम्न के द्वारा न्यूनीकृत किए जाते हैं। पहला ऑप्शन वार्निश लेमिनेशन के उपयोग द्वारा, दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन स्टील मटेरियल के उपयोग द्वारा, तीसरा ऑप्शन सॉलिड कोर के उपयोग द्वारा, चौथा ऑप्शन कोर के लिए एल्यूमिनियम मटेरियल के उपयोग द्वारा। इसका राइट आंसर है वार्निश लेमिनेशन के उपयोग द्वारा। 73वां क्वेश्चन देखेंगे। चार पोल वाले 1500 RPM पर घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होगी। इसका राइट आंसर है 50 Hz। 74वां क्वेश्चन देखेंगे। निलंबित विद्युत रोधी की तरह प्रयोग में लाए गए डिस्क टाइप रोधियों में होते हैं। पहला ऑप्शन ऊर्ध्वाधर तल में डिस्कें, दूसरा ऑप्शन क्षैतिज तल में डिस्कें, तीसरा क्षैतिज से 45 डिग्री पर डिस्कें, चौथा उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है क्षैतिज तल में डिस्कें, लेकिन इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। 75वां क्वेश्चन देखेंगे। जब सामान्य रूप से एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर पर लोड को बढ़ाया जाता है तो उसका शक्ति गुणांक होता है। पहला ऑप्शन अनवंति पर पहुंचता है, दूसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, तीसरा ऑप्शन लीडिंग से अधिक हो जाता है, चौथा ऑप्शन लैगिंग से अधिक होता है। इसका राइट आंसर है लैगिंग से अधिक हो जाता है।